हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्रांड पोजीशनिंग एंड वेरियस डिसीजंस टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो ब्रांड पोजीशनिंग की अगर बात करें तो द स्पेस दैट ब्रांड ऑक्युपाइज इन द ब्रेन्स ऑफ द कस्टमर्स. सो इट मेक्स कस्टमर्स व्यू द प्रोडक्ट इन अ यूनिक वे एंड मेक इट स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिशन. सो दैट It is an act of designing a company's offering and image to occupy a distinctive place in the minds of consumer or target market. उसे कहते हैं brand positioning. और brand positioning को आपको ये याद रखना है कि it is the important key of marketing strategy. As through positioning, the base is created for developing and increasing the required knowledge and perception of customers. तभी हम knowledge and perception को डेवलप कर पाएंगे एज वेल एज इंक्रीज कर पाएंगे कस्टमर्स की. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दैट इज वुडलैंड इज पोजिशनड एज टफ, डेटॉल इज पोजिशनड एज एंटी इन्फेक्टेंट. तो ये वुडलैंड और डेटॉल का क्या है, ब्रांड पोजिशनिंग है. सो बाय नेम इटसेल्फ आपको पता है इट इज पोजिशनड एज टफ एंड इट इज पोजिशनड एज एंटी इन्फेक्टेंट. So, next the important thing is the three kinds of decisions are taken by the marketers while deciding the brand positioning. So, first one is determining a frame of reference by identifying the target market and relevant competition. Then, second one is identifying the optimal points of parity and points of difference, जिसे हम बोल सकते हैं POP and POD. Then creating a brand mantra to summarize the positioning. तो ये तीनों points आपको याद रखने हैं कि ये decisions हैं while are taken by marketers while deciding the brand positioning. First one is developing or determining a frame of reference, then points of parity and points of difference, and then creating a brand mantra. So first one is determining a frame of reference to identifying competitors and through analyzing competitors. So, identifying competitors की बात करें अगर, so there can be two types of competitors, direct competitors and another one is indirect. तो direct competitors कौन हुए, जो close substitutes हैं company के products की, they are having close substitutes and there are no close substitutes in case of indirect competitors. But दोनों ही हमारे लिए competitors हैं, so that through this analysis companies could able to identify the opportunities as well as the challenges. तो इसलिए यहाँ पे opportunities and challenges could be ascertained. Then after identifying the competitors, second step is analyze them. And analyzing them, so that यहाँ पे competitors की real and perceived स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात कर रहे हैं, जो उनकी रियल एंड परसीव्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उनको एनालाइज करना. उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि व्हाट ईच कॉम्पिटिटर्स आर सीकिंग इन मार्केटप्लेस एंड कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर एंड देयर ड्राइव्स, सो दैट फॉर व्हाट मोटिव एंड व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड देयर एग्जिस्टेंस. सो आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग के थ्रू जब हमने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया एंड एनालाइज कर लिया उनको प्रॉपरली, तो हमने डिटरमाइन कर लिया अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देन सेकेंड है हमारा आइडेंटिफाइंग द पीओपी, दैट मीन्स पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पीओडी, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. सो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी सेज आर यूजुअली द एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स एसोसिएशंस दैट आर नॉट नेसेसरीली यूनिक. यहाँ पे आपको ये मैटर करता है, यहाँ पे इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि दैट आर नॉट नेसेसरीली यूनिक टू द ब्रांड बट मे इन फैक्ट बी शेयर विद अदर ब्रांड्स. तो इसको सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि पीओपी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी हमसे क्या कहता है, दोज एलिमेंट्स विच आर एसेंशियली नेसेसरी फॉर अ ब्रांड टू हैव, एसेंशियली और नेसेसरी फॉर अ ब्रांड टू हैव. इट इज वॉट मेक कंज्यूमर्स कंसिडर योर ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल मैकडी और सबवे की अगर हम बात करें, मैकडी एंड सबवे को एग्जाम्पल लेते हैं,
तो इनका मेन मोटिव क्या है, इनका मेन एम क्या है, इज टू प्रोवाइड और सर्विंग गुड एंड हेल्दी फूड, अदरवाइज दे कुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. तो वो जो उनके लिए है सर्विंग गुड एंड हेल्दी फूड इज बिकम्स फॉर देम पीओपी, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. ओके, सो यूनिक नहीं है बट नेसेसरी है, होना जरूरी है. तो ये बोलता है पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, पीओपी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. फर्स्ट वन इज कैटेगरी एंड अनदर वन इज योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. सो कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी का मतलब ये होता है जब ब्रांड ऑफर्स नेसेसरी कैटेगरी फीचर्स जिसके थ्रू आप बोलते हो कि हाँ ये सुटेबल है. अगर आप कोई बैंक है तब तक सुटेबल नहीं हो सकता आपके लिए जब तक अनटिल एंड अनलेस इट ऑफर्स एडिक्वेट एटीएम सर्विस. सो दैट वो आपके लिए हो गया कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी कि दे दिस मस्ट हैव थिंग. तो मस्ट हैव थिंग बिकम्स द कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. एंड अगर बात करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी की तो इट इज डिजाइन टू निगेट अ कॉम्पिटिटर्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस सो दैट व्हेन द क्वालिटी ऑफ द ऑफरिंग इज नॉट एडिक्वेट इन कंपैरिजन टू कंपटीशन. दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट या सोल्ड आउट हो रहा है किसी एरा में, 90s के एरा में कोई प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है पर वो अच्छी खासी इंफीरियर क्वालिटी वो नहीं प्रोवाइड, सॉरी सुपीरियर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, द प्रोडक्ट्स आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. बट अगर इन्होंने अपने आप को 2000 में इम्प्रूव भी कर लिया बट स्टिल जो लोगों में परसेप्शन बनी है उस प्रोडक्ट की इन्फीरियर क्वालिटी की वो हट नहीं पाएगी. सो दैट इट बिकम्स अ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ पैरिटी. बट आफ्टर फिक्सिंग द क्वालिटी प्रॉब्लम चाहे आप किसके थ्रू आप अपना परसेप्शन को ठीक कर सकते हो, जैसे थ्रू कम्युनिकेशन चैनल एंड एडवर्टाइजिंग मीडियम जिसके थ्रू क्वालिटी वॉज परसीव टू बी गुड इनफ दैट अटेंशन कुड टर्न टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. सो कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी में हमने ये पढ़ा. नेक्स्ट आता है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, पीओडी. अब पीओडी को देखते हैं तो आर एट्रीब्यूट्स ऑफ बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर्स स्ट्रांगली एसोसिएट विद अ ब्रांड पॉजिटिवली इवेल्युएट एंड बिलीव दे कुड नॉट फाइंड टू द सेम एक्सटेंट विद अ कॉम्पिटिटिव ब्रांड. दैट मीन्स जो एक क्वालिटी वो देख रहे हैं एक ब्रांड में वही ब्रांड में सॉरी दूसरे ब्रांड्स में कंपैरेटिवली वो उनको क्वालिटी या फीचर्स नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, ये दिखा रहा है इट शोज यूनिकनेस. सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वॉट मेक्स इट यूनिक. तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सो थ्री क्राइटेरिया डिटरमाइन वेदर अ ब्रांड एसोसिएशन कैन ट्रूली फंक्शन एज अ पीओडी इज डिजायरेबिलिटी, डिलीवरेबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. हाउ इट बिकम डिजायरेबल टू द कंज्यूमर्स, मोर एंड मोर कंज्यूमर्स एंड डिलीवर कितना अच्छा डिलीवर करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एंड डिफरेंशिएबिलिटी दैट मीन्स हाउ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स. सो देयरफॉर फर्म्स नीड टू स्ट्राइक एन अप्रोप्रिएट बैलेंस, इनके बीच में बैलेंस उनको बनाना होगा बिटवीन पीओपी एंड पीओडी एंड टू पोजिशन द प्रोडक्ट विद इन द प्रोडक्ट कैटेगरी एज हैविंग सफिशियंट पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. कुछ तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी तो होने ही चाहिए जो कि मस्ट है एंड वाइल हाईलाइटिंग वन और टू पीओडी ऑल्सो. सो पीओपी एंड पीओडी का बैलेंस अगर करके बताते हैं दैट मेक्स द पोजिशनिंग ऑफ योर ब्रांड more attractive, you can say. And then last one is brand mantras. So brand mantra ko aap bol sakte ho, brand essence as well. Brand essence. Aur achhe se yaad rakhna hai ki it is the queen of brand positioning as it is an articulation of the heart and soul of the brand and is closely related to other branding concepts. Brand mantra are short 3 to 5 word phrases that capture the spirit of brand positioning. So it is a short statement that expresses the core of what the brand represents or the image it seeks to project. So brand essence ko is tarike se aapko yaad rakhna hai, like brand, heart and soul of brand, sorry, brand mantra is a heart and soul of brand. You can say it as a brand essence
एंड थ्री टू फाइव वर्ड्स फ्रेजेस. सो इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट. सो इट इज एक्सप्रेसेस इमोशनल एंड इंटेंजिबल एसोसिएशन दैट ट्राई टू इंस्पायर अ कनेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड अ ब्रांड. सो ब्रांड मंत्र आपको याद रखना है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल पोजिशनिंग अ ब्रांड, क्योंकि यहाँ पे आप ये ब्रांड एसेंस या ब्रांड मंत्र आपका रिफ्लेक्ट करता है व्हाट अ पर्टिकुलर कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट वेरी एंड डील विद द वन डील और डिफरेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर. ओके, एंड इट मस्ट बी रिमेम्बर दैट अ टैगलाइन इज जस्ट एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रांड व्हाइल स्पीकिंग अबाउट द ब्रांड मंत्र. जैसे इन्फ्लुएंस करने के लिए ये एक बेटर टूल है. सो फॉर मार्केटिंग ऑफ अ ब्रांड, जैसे नाइक का फॉर एग्जाम्पल हम नाइक का ले, सो नाइक का ब्रांड मंत्र है ऑथेंटिक, एथलेटिक एंड परफॉर्मेंस. सो शॉर्ट है, राइट, एंड 3 to 5 word phrases जैसे हमने अभी डिस्कस किया था वो भी आपका मैच कर रहा है. सो इट इज ऑथेंटिक, एथलेटिक एंड परफॉर्मेंस एंड टैगलाइन जस्ट डू इट. एंड कंपनी नेम आप ले सकते हो कोका कोला, तो कोका कोला आपको पता है शेयरिंग, हैप्पीनेस एंड टेस्टी, तो ये उनके लिए ब्रांड मंत्र बन जाता है. तो टैगलाइन ठंडा मतलब कोका कोला, दैट मीन्स आपका टैगलाइन जो है वो एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है ब्रांड का व्हाइल स्पीकिंग अबाउट द ब्रांड मंत्र. सो दीज आर द 3 kinds ऑफ डिसीजंस दैट आर बी दैट शुड बी टेकन बाय द मार्केटर्स व्हाइल डिसाइडिंग द ब्रांड पोजिशनिंग. पहले हम कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर लें, उनको बेटर तरीके से एनालाइज कर लें, देन आइडेंटिफाई करें पॉइंट्स ऑफ पैरिटी जिसमें हमने कैटेगरी एंड कॉम्पिटिटिव दोनों पढ़ा, देन पीओडी कि हमारे प्रोडक्ट में पीओडी कितना है और उन दोनों के बीच में पीओपी एज वेल एज पीओडी का बैलेंस अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड क्रिएटिंग अ ब्रांड मंत्रा लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डिसीजन बन जाता है ब्रांड मंत्रा क्रिएट करना. So this part ends up here. For further updates, please subscribe to our channel. Thank you.